हेलो फ्रेंड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो आज के डेट में यहाँ पर आ चुकी है जाके देख लीजिएगा इसके अलावा हम बात करें आज की दिन के दिन क्या के केसेस की, 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 की वजह से ओके मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक था और इत, आ, 500 पॉइंट निफ्टी एज वेल एज 1600 पॉइंट के आसपास यहाँ पर स गिरता हुआ दिखाई दिया मिड कैप में भी थाउजेंड पॉइंट थी, की गिरावट थी तीन सौ पॉइंट की स्मॉल कैप में गिरावट थी तो इतनी ज्यादा गिरावट होने पर स्टॉक्स सारे के सारे यहाँ पर नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए बट कुछ एक सेक्टर ऐसा था जो कि यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया जिसका नाम था निफ्टी फार्मा अब निफ्टी फार्मा ये बहुत सारे स्टॉक्स है ओके काफी स्टॉक्स ऐसे है जो निफ्टी फिफ्टी में भी शामिल है और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो की हमें यहाँ पर ध्यान रखना है की हमें कौन से स्टॉक का सिलेक्शन भी अच्छी तरीके से करना है कि हमें अच्छे रिटर्न मिल सके तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स में आपके सामने लेके आयु

नंबर दे रखा है इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप हमारी सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं एज वेल एज पर सीखिए सीखने का कोई पैसा नहीं है सिंपल आपको यहाँ पर वीडियो लास्ट तक देखनी है समझना है और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि आप हमें जितना सपोर्ट 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 हो सके उतना करिए और और कैसे कर सकते हैं आप सिंपली सब्सक्राइब करके 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 एज एज वेल हर एक वीडियो को लाइक शेयर करके। जितने आ, लोग हमारे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे उतने ही हमारा मन करेगा कि और अच्छे तरीके से यहाँ पर वीडियो बनाई जाए ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर वीडियो बनाई जाए तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर सेक्टर जो कि यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया जिसका नाम क्या है नाम है यहां पर निफ्टी फार्मा निफ्टी फार्मा की बात करें तो आज के दिन भी यहाँ पर देखिए 203 सौ तीन तीस पॉइंट वन पॉइंट पर सेवन परसेंट यहाँ पर जंप होती हुई दिखाई दी तो यहाँ पर देखिए निफ्टी फार्मा में काफी सारे स्टॉक्स है जो कि आप यहां पर देखेंगे तो देखिए निफ्टी निफ्टी किस तरीके तरीके से से कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया था निफ्टी फार्मा इसी तरीके से हम देखेंगे तो मल्टीपल स्टॉक्स फार्मा के आते हुए दिखाई दिए तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो की मल्टी बैगर बनते हुए दिखाई दिए और मल्टी बैगर बनने के बाद यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से टूटते हुए दिखाई दिए तो उन्हीं में से कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर चुन के लेके आया हूँ ओके उनमें रिस्क भी रहेगा बस रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर रहता हुआ नजर आएगा आ, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो जिस स्टॉक से रिलेटेड सबसे पहले बात करने वाला हूं उसका नाम क्या है उसका नाम है आरती ड्रग्स आरती ड्रग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर लगभग 48 एट परसेंट यहाँ पर गिर चुका है 48 परसेंट का मतलब है बहुत ज्यादा एज वेल well एज यहां पर से बात यहाँ पर अगर हम देखें तो 90 अगर यहाँ से ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है ना तो 97 के आपके पैसे लगभग डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद एक बेहतरीन सपोर्ट पे ये यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है अगर देखे तो यहाँ पर पहले रुका था इसके बाद यहाँ रुका था और इसके लिए चर, जब ये इस तरीके के, के केसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो ये आरती ड्रग्स एक ऐसा बेहतरीन स्टॉक्स है कि ये सालों साल तक नहीं भागता जब भागना शुरू करता है ना तो एक ही बारी में इतने रिटर्न दे, दे देता है कि आपकी झोली भर देता है तो इससे इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिएगा आज की डेट में मैंने यहाँ पर एक इसमें पोजीशन बनाई है क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट एज वेल एज यहाँ पर अच्छा खासा शेयर इस लेवल पर यहाँ पर फोर्टी डाउन होने के बाद लग रहा था इसकी ये गिर क्यों रहा था तो उसकी भी अगर हम बात करें तो उसकी भी हम यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आर्थिक गिरता हुआ नजर आ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ इसके रिजल्ट यहाँ पर देखिए इसकी सेल्स तो बढ़ती हुई नजर आ रही थी बट अगर बात करें इसका प्रॉफिट घटता हुआ नजर आ रहा था इस बार भी यहाँ पर प्रॉफिट घटता हुआ नजर आया और वो भी किसकी वजह से एक्सपेंसिस की वजह से इसके जो एक्सपेंसिस है यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे दिस इज द मेन रीजन की यहाँ पर चीजें बढ़ती हुई सॉरी यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दे रही थी बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि एफ डी ने यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है ओके यहाँ पर बात करें पब्लिक के पास एज एट इज शेयर बने हुए एफ डी एस के पास भी ये शेयर है तो इस शेयर की तरफ आप निगाहें बना के रख सकते हैं और यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ और चीजें भी यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो आपको पता चलेगी कि ये शेयर देखिए सालों साल तक नहीं चलता यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरीके से ही चल रहा है बीच बीच में गिरावट होती रहती है यहाँ पर एक लंबा कंसोलिडेशन बट एक बार चलना शुरू किया तो अच्छे खासे रिटर्न के बारे में दे दिया तो ये ऐसा स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में रखिए जब भी भागेगा भागे तो अपने आप ही आपको मल्टीपैगर रिटर्न दे देगा दे इस, इस तरीके का ये स्टॉक नजर आता है और यहाँ पर कोविड में बिल्कुल फिट बैठता है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है एस्ट्राजेनिका फार्मा एस्ट्राजेनिका फार्मा की बात करें इसमें भी देखिए एक अच्छी खासी गिरावट इसी तरीके की आती हुई दिखाई दी है अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि इसके ऑल टाइम हाई से ये शेयर कितना यहाँ पर गिर चुका है तो यहाँ पर आपको पता चलेगी ये शेयर लगभग फोर्टी परसेंट गिरा था बट यहाँ पर आज के दिन में कुछ यहाँ पर चार पांच परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया लगभग पांच परसेंट भागा है, तो इसकी वजह फिर भी यहाँ पर थर्टी फोर फाइव परसेंट यहाँ पर डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है और एस्ट्राजेनिका क्यों भागता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कोविड की जो वैक्सीनेशन लग रही है वो सबसे ज्यादा इसी की लग रही है और अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी दोबारा अभी तक इंडिया यहाँ पर सप्लाई नहीं कर रहा था अब यहाँ पर वर्ल्ड वाइड भी यहाँ पर सप्लाई होती हुई चीज़ों की यहाँ पर दिखाई देगी एस्ट्राजेनी लॉन्ग टर्म के इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे काफी बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न यहाँ पर नजर आता है इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं जब भी ये भागना शुरू करेगा एक ही बारी में अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा हमारे पास ऑलरेडी

फाइजर भी सेम अगर आप बात करें देखिए आज की रेट में लगभग सेम यहां पर भागता हुआ दिखाई दिया है अच्छा खासा रिट्रेस यहाँ पर हो चुका है इस शेयर की तरफ भी तो इसी तरीके के मल्टी बैगर देता हुआ नजर आएगा। तो फाइजर की तरफ दीजिए इसके अलावा एक और शेयर की तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा शेयर काफी बेहतरीन है इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन है ओके और रिजल्ट हमेशा ही बेहतरीन आते हुए नजर आ रहे हैं इस वजह से यह शेयर तीन महीने के अंदर अंदर चार का हजार होता हुआ दिखाई दिया था तो इसी वजह से यहाँ पर इस शेयर को मैं आपको बता रहा काफ, हूँ काफी बार पहले भी बताया था अगेन यहाँ पर इस ये शेयर यहाँ पर देखें तो एक कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है ऑलरेडी काफी अच्छा यहाँ पर गिर चुका है अच्छे खास बीस तीस के रिटर्न यहाँ पर से भी बनते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर यही सेक्टर है फार्मा का जो कि आगे यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो ये चीजें ये शेयर भागते हुए आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे सकते है इसके लिए कैप्लिन पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए डेट फ्री शेयर है काफी अच्छी यहाँ पर सबकी होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है इसके अलावा कुछ स्मॉल कैप में आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ जिसमें से हम बात करें मॉर्टम लेबोरेटरी मॉर्पन की बात करें काफी बेहतरीन स्टॉक से आज भी यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था शेयर यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बाईस पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है अगर मैं बात करूं, तो पर आप देख सकते हैं दे है, तो ऊपर की तरफ चीजें जाके टारगेट तो तो चौहत्तर रुपए का इसका पकड़ सकते हैं अभी पचास पे चल रहा है लगभग यहाँ पर तीस के यहाँ पर आपको रिटर्न अच्छे खासे मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं तीस के क्यों मोर देन थर्टी के रिटर्न यहाँ पर आपके

अच्छे खासे इसके दिखाई देते हैं इसके अलावा बात करते हैं एक और शेयर की जिसका नाम है लॉरस लैब लॉरिस लैब की बात करें तो लॉरिस लैब भी एक अच्छा शेयर यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से गिरता हुआ भी दिखाई दिया था ओके बार बार मैं आपको 600 से ही यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ बट ये बीच में जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन या कह सकते हैं बेफालतू की यहाँ पर कर रहे थे लोग लोगों को डराना ऑपरेटर का, का काम होता है सीधे अच्छे खासे तरीके से गिराया गिराने के बाद इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर भगा रहे हैं सौ रुपया ऑलरेडी भाग चुका है और भी ज्यादा है इसके भागने के यहाँ पर सेवन सेवनटीन तक ये सिंपल जा सकता है तो इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए इसके अलावा एक और शेयर है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं पॉली यहाँ पर पॉलीमेडिक की ओर से रिलेटेड इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा क्यों क्योंकि क्यों कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो कोविड की किट जो आती है वो यही पर्टिकुलर शेयर बनाता हुआ दिखाई देता है आज के दिन लगभग ये अच्छा खासा भागा भी था बीच में यहाँ पर थोड़ा सा ने ट्रेस हो गया थाउजेंड के आसपास चल रहा है एक लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है ये यह शेयर यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर बारह का लेवल जब यहाँ पर निकालेगा साढ़े ग्यारह सौ इसके बाद ये चौदह सौ पंद्रह सौ तक जा सकता है लंबे टाइम से हमने यहाँ पर ये शेयर ले सकता है और जब जब बीच में इसमें गिरावट भी सेवन हंड्रेड पर आया था एट हंड्रेड के आसपास आया था बार बार रिकमेंड किया है तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए तो ये कुछ फार्मा के स्टॉक्स हो गए इसके अलावा जब यहाँ पर दोबारा चेकअप से रिलेटेड बातें होगी तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कंपनियां जो अच्छी खासी यहाँ पर आ, रखते हैं कि जो चेक चेकअप कराते हैं तो अगर बात करें टेस्टिंग होती है जिसमें तो यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ला, डॉक्टर लाल पैथ लैब तो डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है लगभग आज के दिन भी छह परसेंट यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया एक बेहतरीन सपोर्ट्स के से तो यहाँ पर चीजें दोबारा बयालीस सौ रुपए तक का यहाँ टारगेट चीजें ऊपर राउंडिंग बनाते हुए दिखाई दे सकती है तो डॉक्टर लाल पैथ इसके अलावा बात करेंगे थारो की टेक्नोलॉजी की बात करें ये भी एक अच्छी खासी कंपनी है यहाँ पर देखिए राउंडिंग बनाती हुई दिखाई दे रही है टू हंड्रेड डीएमए के यहाँ पर नीचे चल रही है अच्छे खासे सपोर्ट में यहाँ पर चीजें चल रही है तो यहाँ पर चीजें थारो केयर एक काफी बेहतरीन कंपनी है अच्छे खासे रिजल्ट भी पेश करती है तो फोर्टीन हंड्रेड रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज तक भी ये जाता हुआ दे रहा है। तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए लंबा कंसोलिडेशन लंबी गिरावट अच्छा खासा गिर चुका है से गिरना नहीं यहाँ से भागना इसमें शुरू हो सकता है तो इसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं इसके अलावा हम बात करेंगे न्यू लिस्टिंग कुछ स्टॉक्स की तो इसमें विजय डायग्नोस्टिक एक अच्छा खासा शेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है अच्छे खासे तरीके से ये पहले भागा था भागने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट एक अच्छा खासा यहाँ पर बात

अगर बढ़ते हैं इस तरीके से तो ये शेयर भी यहाँ पर आपको जंप करके दिखा सकता है तो इसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं तो यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा इन्वॉल्व है क्योंकि इनके रिजल्ट इतने बेहतरीन नहीं है ना विजय के ना ही कृष्णा के तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रकॉशन यहाँ पर लेके चलना है मतलब स्टॉप लॉस के साथ काम करना है यहाँ पर थोड़ा बहुत ही शेयर भागे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है और ज्यादा अगर सिक्योर स्टॉक चाहिए तो स्टॉक सिक्योर स्टॉक्स केवल एक ही है डॉक्टर लाल पैसलर एज वेल एज थार इन दोनों की तरफ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं तो ये कुछ पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक एज वेल एज हम बात करें यहाँ पर फार्मर के स्टॉक है इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा दे बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें जितना हो सके सपोर्ट करे आपके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पर वीडियो अच्छे खासे बनाते हुए नजर आते हैं सो हमसे कांटेक्ट करना है यहां पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड प्लेस